नमस्कार, मु दिलीप दास। आज आम जानवा जदि तुम्हें जीवन में जेकोसी कार्य करोसी कार्य कले भी तुम्हें फेल हो जदि तुम्हें पाठ पढ़ुच से तुम्हें भल मार्क रखि पार ना तुम्हें क्लास रे फास्ट सेकेंड थर्ड हो पार ना ताल कौन कर लाइफ रे इपरी परिस्थिति अच्छ जो कार्य कले भी तुम्हें विफल हो एपरी परिस्थिति रे तुमको कौन करिबा दरकार। आज आम जानिबा बहुत इंटरेस्टिंग वे जानिबा आमको कौन करिबा दरकार। थरे कौन है थॉमस अल्वा एडिसन मुझे कहीदे ये होंगे विद्युत बल आविष्कारक विद्युत बल ये बाहर कर दुनिया रे विद्युत बल के जान नी किपर लाइट जले कई जान नी ये थॉमस अल्वा एडिसन प्रथम विद्युत बल को बाहर करते ओके ताले थरे कौन है ना थॉमस अल्वा एडिसन बाहर को जाती फैक्ट्री रे भीषण निया लगला एत जोर निया लगला जे फैक्ट्री रो जहाँ भी अंश थिला सब किसी पोड़ी पाउँश हो गला। आउ थॉमस अल्वा एडिसन जिते ये परिस्थिति को देखिले सब किसी नष्ट हो सकता पाखे आई ना से एपरी एक आविष्कार करते सब किसी धूलिसात हो गला। तेबी थॉमस अल्वा एडिसन कौन कहले भल भाव ध्यान दियो से कहले बहुत भल हो जहाँ भी भूल करी से सबू मटे बीचगला एवं मुआ गवेषण करी नुआ आरंभ करी आउ नुआ करी आविष्कार करी ये हूँ थॉमस अल्वा एडिसन को माइंडसेट पुणी परिश्रम उपरे से विश्वास करते। आज तुमको एक पौराणिक कहानी कह जो कहानी तुम्हें शिखिपार एपरी मुस्किल सिचुएशन ले आमको कौन करिया दरकार ओके अग्नि पुराण रे एपरी एक कथा कह जो कथा को जानिबा परे तुम्हें के जीवन ले असहाय हो पड़ो ना कौन है देख थे कौन है देवराज इंद्र पृथ्वीवासी भीषण रागि जाइंटे देवराज इंद्र पृथ्वीवासी को अभिशाप देते कि मु 12 वर्ष पर्यंत पृथ्वी उपरे वर्षा कराइबी ना ताले पृथ्वीवासी अत्यंत भयभीत हो गले से यज्ञ कराइले यज्ञ कलापर प्रार्थना मध्य कराइले देवराज इंद्र को संतुष्ट करने देवराज इंद्र एत रागि जाइले जे से कहले ओके ठीक अच्छे जदि महादेव शिव हिमालय महादेव शिव शंकर भगवान जदि तर डम्बुर को बजाइबे ताहले वर्षा हेब एवं पृथ्वीवासी कौन कले शंकर भगवान निकट को आसवाक आरंभ कले किंतु ये देवराज इंद्र प्रथमे शंकर भगवान पाखु जाई तांकु कहिला तांको ठारु एक कमिटमेंट नहींगला ग्यारंटी नहींगला कि शंकर भगवान तुम्हें 12 वर्ष पर्यंत तुमर डम्बुर को बजाइब ना एपरी एक प्रतिश्रुति देवराज इंद्र शंकर भगवान ठारु नहींगले एवं जिते बड़े ये पृथ्वीवासी शंकर भगवान को निकट गले एवं प्रार्थना कले तुम्हें आपण आपण डम्बुर को बजातु बोली शंकर भगवान पृथ्वीवासी को एकदम मना करते कि मु इंद्र को वचन दे सारी मु 12 वर्ष पर्यंत मोर डम्बुर को बजाइबी ना तेणु ये पृथ्वीवासी निराश हो गले निज घर को चली आसले एवं एटी से कौन कले निराश रे हताश रे एम निज घरे बसीगले किंतु एपर जन लोक थिला जार ना हला देवदत्त ये कौन कला से जानी 12 वर्ष वर्षा हेब ना तथापि निज बिल को गला सेठ कृषि कार्य कला हल कला मंजी बुणिला यही भाव कला तेणु ये पृथ्वीवासी या देखिकी हसवा आरंभ कले अरे देख 12 वर्ष वर्षा हेब ना ये पगल परी एवं भी कृषि कार्य करेणु मस मस बीतीगला वर्ष वर्ष बीतीगला तीन वर्ष पर सेठाकर जो राजा थे सी ये देवदत्त कथा को शुणिले एवं आश्चर्य हो गले ये पूरे कहीं कर राजा देवदत्त जमी को आसिले तार बिल को आसिले एवं देवदत्त को पचारे कि देवदत्त तुम्हें जाच 12 वर्ष पर्यंत वृष्टि हेब ना तथापि तुम्हें कहीं बिलर कार्य सब कर देवदत्त जो उत्तर देला से सबको तुम्हें जानवा निहाती आवश्यक। देवदत्त कहला हे महाराज मु जानी 12 वर्ष पर्यंत वर्षा हेब ना
ଏବଂ ବର୍ଷା ନହେଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭୁଲିଯିବି, କିପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବି, ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ବି ନଥିବ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏସବୁ କଥା ଦେବଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ଏସବୁ କଥାକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ହିମାଳୟରେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶଙ୍କରକୁ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଆପଣ ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଡମ୍ବୁରକୁ ବଜାଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଦେବଦତ୍ତ କହିଲା ପରି ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ କି କିପରି ଡମ୍ବୁରକୁ ବଜାଯାଏ, ଏବଂ ଡମ୍ବୁର ନ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜର ଡମ୍ବୁରକୁ ବଜାଇ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଜାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ? ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସହିତ ଭୋଳାନାଥ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ଡମ୍ବୁରକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ବଜାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ତାର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତା ଜମିରେ ଫସଲ ଉଠିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜମିରେ ଫସଲ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି କୃଷି ବୃଷ୍ଟି ସମାୟଗତ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ଫେଲ୍ ହେଉଛ, ତାହେଲେ ଦେବଦତ୍ତ ପରି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମକୁ ଲକ୍ ସାଥ୍ ନଦେଲେ ପରିଶ୍ରମ ସାଥ୍ ଦେବ। ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମକୁ ତୁମର ଲକ୍ ସାଥ୍ ଦେଉନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତୁମକୁ ସାଥ୍ ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।